खाचरौद नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में बालाजी महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया गया। वहीं तहसील मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम छोटा चरोला में भी बालाजी मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव का चल समारोह निकाला गया। चल समारोह हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। धार जिले के राजगढ़ में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं रात्रि में दादा नरखेड़ा मंदिर पर सुंदरकांड एवं भजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। हनुमान जन्मोत्सव पर झीरी वाले हनुमान मंदिर, वहीं वाटर वॉक वाले हनुमान मंदिर पर भी भंडारे का आयोजन किया गया। हनुमान जन्मोत्सव पर सिवनी जिले के धुमा में हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों भक्त बड़ी संख्या में शामिल हुए। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष योगेश शिवहरे, अंकित साहू मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत शर्मा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हर्षल शिवहरे शामिल हुए। हरदा जिले के टिमरनी नगर में मारुति नंदन का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों को फूलों तथा विद्युत साज सज्जा भी की गई, तो वहीं मारुति नंदन हनुमान का विशेष श्रृंगार भी किया गया। वहीं दिन में नगर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल मौजूद रहा। शाम होते ही मंदिरों में सुंदरकांड पाठ और कन्या भोजन भी कराया गया। गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार द्वारा शुजालपुर नगर के गायत्री मंदिर फ्रीगंज में 108 कुंडी महायज्ञ का आयोजन प्रारंभ हो रहा है, जिसको लेकर रविवार को एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 3000 से अधिक लोग शामिल हुए। 2100 कलश लेकर ये यात्रा शासकीय जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय से प्रारंभ हुई, जो कि नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गायत्री मंदिर फ्रीगंज पहुंची। कलश यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया, जिसे लोगों ने कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की। श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील में शनिवार को विजयपुर क्षेत्र के प्राचीन छिमछिमा हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जी महाराज के पावन जन्मोत्सव पर मंदिर को फूल बंगला सजाकर 56 भोग लगाया गया। छिमछिमा मंदिर प्रांगण में शनिवार को सुबह 4 बजे से ही भक्तों के लिए दर्शन का आना शुरू हो गया था, और शाम तक 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने संकट मोचन का दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया।